राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध और सीएम नीतीश कुमार के फटकार के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। आज राजधानी पटना की सड़क पर पुलिस के सभी पदाधिकारी उतर गए हैं। राजधानी में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी राजेश कुमार खुद पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। वही राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान जारी है। आपको जानकारी हो कि कल बुधवार को पटना में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। पटना के रुपसपुर थाना में डीजीपी मुख्यालय कुंदन कृष्णन बैठक अपराध की समीक्षा कर रहे थे और वहीं थाने से महज चंद कदम की दूरी पर अपराधी ज्वेलरी दुकान में लूटपाट कर रहे थे। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने ही बैठक कर पुलिस को यह सख्त आदेश दिया था कि हमें हर हाल में रिजल्ट चाहिए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारी भी अपने चैम्बर से बाहर आकर फील्ड में काम करेंगे। ऑपरेशन नकेल की दोबारा से शुरुआत की गई है मेरे द्वारा। इसमें पूरे पटना के सभी पदाधिकारी, थाना के, इसके अलावा सर्कल इंस्पेक्टर, सभी डीएसपी, एएसपी, सीडीएसपी, रूरल एसपी, सभी सुबह से लेकर शाम तक लगातार रोड पर रहेंगे, चेक करके रहेंगे। एक जगह पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। क्राइम कंट्रोल पॉइंट पर उसे चेकिंग करेंगे और इस दौरान छापामारी भी चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करना, अपराधियों को पकड़ना और घटनाओं को प्रिवेंट करना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा और कोशिश रहेगी कि पटना को क्राइम फ्री एरिया, क्राइम फ्री जोन बनाना। और मुझे लगता है कि अगर ट्रैफिक के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी चेकिंग का काम करेंगे। पुलिस लाइन्स के भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी चेकिंग में डाला गया है। मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य में अवश्य समझेंगे। सर, जिस तरीके से कल की जो दिन दहाड़े जो लूट की वारदात हुई है दानापुर में का जो इलाका था उसमें, वो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिसिया जो खौफ है वो देखने को अपराधियों में नहीं मिला? पटना में कहीं भी कोई घटना हुई है उसको तुरंत एक दो दिन के अंदर डिटेक्ट किया गया, सारे अपराधियों को पकड़ा गया है। पटना पुलिस का ये इतिहास अच्छा रहा है और आपने देखा होगा पिछले एक दो महीने में कोई वैसी विशेष घटना नहीं घटी, ना ही होने दी गई। एक तो घटना कोई घट जाती है तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है और इस ऑपरेशन से हमें विश्वास है कि हम अपने पूरे जो पेट्रोलिंग है, चेकिंग है, उस व्यवस्था को और ज़्यादा चुस्त कर पाए। कब से कब ये जांच चलेगा सर? ये सुबह मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक ये लगातार प्रतिदिन चलता रहेगा।